बच्चन साहब लेकिन गोविंदा गोविंदा कर क्यों कर रहे हैं? ये खुद बताएंगे, इन्होंने भी तो पैसे लिए, मैं अकेला क्यों मरूं? बताइए। वो इसलिए क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने मामा गोविंदा की वजह से हूँ। हे भगवान, इसलिए मैं ये क्या कह रहे हैं? गोविंदा आमी जी के मामा कैसे हो सकते? ए देखो, इसका जवाब दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। एक मिनट सोचने दो। दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन की बेटी है? नहीं। पीको में थी ना? हाँ। तो जो फिल्मों में होता है वो असल में नहीं होता, जो असल में होता है वो फिल्मों में नहीं होता। सही है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब जब से मतलब किए जा रहे हो, मतलब आदमी कहीं के ये नहीं कि एक आदमी अकेला संभाल रहा है, उसकी हेल्प कर दूं? मतलब हेल्प? मतलब एक मिनट रुको यार, बच्चन साहब एक बात बताइए। बच्चन साहब ने पी हुई है? आप इधर आइए पिए। बच्चन साहब, ए बच्चन साहब, अबे बच्चन साहब, तुझे बोला था ना कृष्णा दारू पी के नहीं आना। अरे मैंने सिर्फ दो ही पैक मारे यार, टेंशन मत ले। देख मोहतरमा को मैं संभाल लूंगा, उसको आदमी को तू संभाल। बच्चन साहब कहीं ऐसा ना हो आपकी सजा कृष्णा को मिल जाए, निकाल दूंगा उसको मैं। अरे मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे मिल चुका है, तू अपना ढूंढ ले। आप लोग बच्चन साहब पूरा हाथ जोड़ो, ये देखो अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन साहब तू ऐसे नहीं सुधरेगा। हाय रब्बा। बच्चन साहब आप क्या, आप पार्टी एंजॉय करिए, बाकी स्टार्स को देख के आता हूँ मैं। हाँ। तुझे दिखाता हूँ मैं। बच्चन साहब एक बात बताइए, आप सच में बच्चन साहब ही है ना? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अरे अभी तो आपने कहा फेंके वो पैसे नहीं उठाता। अरे शुरू शुरू में नहीं उठाए ना तो काफी नुकसान हो गया था हमारा। वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सुनो, सूर्य वंशम की खीर से भी जहरीली परफॉर्मेंस टीम की। अरे उठिए उठिए बच्चन साहब, उठिए। हाय, आई एम प्रियंका चोपड़ा एंड दिस इज माय नेक। वाह वाह वाह, प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं लग रही है। Excuse me? नहीं 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 मैडम, ये प्रियंका चोपड़ा ही है। एक मिनट देखिए मैडम प्लीज, मैंने इतने सारे माने ना आपके लिए, आप मेरे लिए एक मान लीजिए प्लीज। क्या बात है प्रियंका चोपड़ा? मैं एक मिनट, आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें वो प्रेम चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा। खबरदार मेरी बहन को छुआ तो। क्या 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 कहा? बहन 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 कैसे? हाँ ये गुजरात से आया ना। हाँ तो वहाँ पर सबको बहन बहन बोलते हैं, इसीलिए। क्यों बहन? हेलो हेलो हेलो, हाँ राजेश अरोड़ा बोल रहा हूँ। मुंह से तू कहाँ से बोलता है बदतमीज आदमी? फोन काटा नहीं तूने अभी? अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ हर प्रकार के इंटरव्यू लिए जाते हैं। हाँ, बच्चों के मुंडन से लेके विवाह शादी तक के इंटरव्यू देना हो तो आ जाना। हाँ फोन रखो भाई। हाँ मुझे अर्चना से एक गंदी बात करनी है। अर्चना जी आ? मैं बताऊँ आपको एक बात? बता। मैं 3 दिन से नहाया नहीं, यही थी मेरी गंदी बात। जो आपने सोची वो बहुत गंदी है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे वो जो लड़का नहीं आता कपूर शर्मा, वो हैंडसम सा स्मार्ट सा, बहुत मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो। क्यों? फालतू में बैठ के लोगों की इंटरव्यू, मैं अब से मैं इंटरव्यू करूंगा यहाँ पे। वेरी गुड, अपना खुद का इंटरव्यू शो। हाँ राजेश अरोड़ा शो ऑफ।
मुझे इंटरव्यू करने का इतना शौक है, इतने सवाल पूछने का शौक है। हाँ। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब पैदा हुआ ना, मैंने पैदा होते ही अपने बाप को पूछा, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को माँ बनाने की। तो फिर उसने मेरी ऐसे करके बाजू मरोड़ी, फिर जाके मैं रोया। फिर डॉक्टर कहते बच्चा ठीक है। मैं जब रोया ना, मेरी आंसुओं की धार कहीं और से निकली। देखो मैंने पहले चप्पल पहनी, फिर आपसे हाथ मिलाया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि विद्युत को हाथ लगाने से पहले चप्पल पहननी चाहिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनाइए, फ्रूट खाएंगे? ये बहुत हेल्दी है मेरे लिए। आम भी रखे हुए हमने, ये देखो बजट देखो हमारे शो का। अच्छा, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। एक बात बताओ, इतने आप पढ़े लिखे लग रहे, इतने हैंडसम, इतनी अच्छी फैमिली से जंगली क्यों बने? ओहो माय गॉड यार, देखिए सेम बॉडी। हाँ सेम बॉडी। यार हम आपके फिल्म का ट्रेलर, प्लीज सिट सिट, हैव अ सीट, रिलैक्स। आपके आने के बाद से इनकी मुस्कुराहट हट गई है। मुझे ये आदमी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? मुझे नफरत है इसकी शक्ल से। मेरी शक्ल तो बुरी नहीं है यार, बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं यार, आई डोंट नो व्हाई ही इज ऑलवेज चिड़चिड़ा। आई डोंट नो, बदतमीज इंसान यार। आई स्टे हसमुख ए भाई। अरे आराम से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे बाप का नहीं खा रहा हूं। मैं अपना फ्रूट खाता हूं। बहुत बुरे मूड में आए, चलता है इनका। मुझे आदमी पसंद नहीं है। मैं आपके सामने इसको एक बात कहने जाता हूं, अथू। गुड बाय सर, हम फिल्म का ट्रेलर देखे। ओ हो हो, वो जो हाथी के बीच में से ऐसे भागते हुए निकले, माय गॉड यार, माय गॉड, मजा आ गया। और वो जो सांप को पकड़ लिया था। अरे रे सर, सांप को आपने पकड़ा था ना गर्दन से, हिम्मत है तो इसको पकड़ के दिखाओ। गर्दन आई नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जीती रहो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों। दिल मिलो बेटा, घुटनों में क्या रखा है। अच्छा मेरे को अब पता चला इंटरव्यू लेने में कितना मजा है। देखो लड़कियां खुद चल के आ रही हैं। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। थैंक यू। ये लीजिए मेरा नंबर, इसमें अपना नंबर डाल दो। अरे वाह, लगातार भंकस करने वाले अंकल आ गए। अरे कैसे? मैं ठीक हूँ। अभी माता पढ़ाए विद्युत कैसे? अरे वाह, ये तो सच में इलेक्ट्रिसिटी आपने। बहुत अच्छा। ये लो, ये रखिए आप लोग थोड़ा। ये क्या? आप रखिए एक मिनट। ये क्या बट रहा है यहाँ पर? ये क्या है? इसकी ना आधे घंटे बाद आपको जरूरत लगेगी। क्यों? या तो इसका सर फोड़ देना या खुद का। बहुत भंकस करते हैं। ये औरत बड़ी झूठी है, ये बन मानुष जैसी औरत ना। ये इधर नंग दड़ंग लोग आते हैं, उनकी मसाज करती है। हाँ, और ये बागड़ बिल्ला जैसे दिखने वाला आदमी है ना, इधर बैठ के सबकी बेइज्जती करते हैं। आप लोग जरा रुक जाइए, हमें सवाल पूछने दीजिए। हाँ जी। देखिए जंगली फिल्म आप लोगों ने किया, तो ऐसा जंगल वंगल का तो काफी नॉलेज हो गया होगा आपको, जानवर वानवर का, मिलते हैं आप लोग रोज। हमें बताइए ये लोमड़ी को चालाक क्यों कहते हैं? किसी बैंक से बड़ा लोन लेके विदेश चली गई क्या मतलब? एक बार बताओ तुम्हारी बॉडी का वॉल कहाँ है? मुझे हवा निकालनी है। ये रात को ना, रात को अपनी धोती में कैंडल जला के उड़ता है। डोंट लिसन टू अंकल। हाँ जी अंकल, पता क्या हुआ कल? नाला सोपारा स्टेशन है ना, उधर से मैं ऐसा राइट मारी, उधर भोजराज भेलपुरी वाले। अच्छा। मैं खड़ी होकर भेलपुरी खा रही थी। अच्छा। बगल में जो आदमी खड़ा था ना, उसको मैं जानती नहीं थी। ये क्या बात हुई? हाँ तो तुम्हारी बात क्या हुई? तुम क्या बात करते हो? ये बात तो है, करेक्ट है, करेक्ट है। आपकी बात क्या हुई? क्या हुई बताइए, क्या हुई? जेंट्स टॉवल यूज करने वाली औरत। अरे मेरे को एक बात बताओ विद्युत, आपने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था, तो जब आप अपना पहला मैच जीते तो आपको प्राइज क्या मिला था? ब्लैक बेल्ट के ब्लैक डायपर। जहाँ पे हम लोग करते हैं, वो छोटे छोटे बर्तन देते थे, कटोरी फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज में चम्मच, तीसरे में कांटा, इस टाइप के मिलते थे। वाओ। अच्छा विद्युत मेरे को बात बताओ, आपकी जब शादी होगी तो आप फेरे लेंगे कि प्रोटीन शेक?
गुड वन. खैर अभी पूजा अभी क्या मैंने बताया था. यहाँ बैठिए लड़कियाँ. अच्छा नहीं लगता क्या इसका वार्डरोब माइल फंक्शन हो गया. प्रॉब्लम हो जाएगा सर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.